पटियाला नेकलेस को सन 1928 में हाउस ऑफ कार्टियर्स के द्वारा पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह जी के लिए बनाया गया था। इस नेकलेस में 5 चेनें जिन्हें लद्दी कहा जाता है और एक नेक कॉलर भी इंक्लूडेड था। इस नेकलेस में 2930 बेशकीमती डायमंड्स जड़े हुए थे, जिनमें कि डीबियर्स नाम का डायमंड जो कि उस समय का 7th लार्जेस्ट डायमंड माना जाता है वो इस नेकलेस का सेंटर पीस था। डीबियर्स का वेट प्री कट के बिना 428 कैरेट बताया जाता है, जबकि फाइनल कट के बाद इसका वेट 234.65 कैरेट बताया जाता है। डीबियर्स को वर्ल्ड का लार्जेस्ट कुशन कट येलो डायमंड और सेकंड लार्जेस्ट येलो फेस्टेड डायमंड कहा जाता है। इस नेकलेस में 7 तरह के और भी कई बड़े डायमंड्स थे जिनका वेट 18 से 73 कैरेट्स तक था, जिनके साथ साथ इस नेकलेस में कई तरह के बर्मीज रूबीज भी जड़े हुए थे। सन 1948 में ये हार पटियाला की रॉयल ट्रेजरी में से अचानक गायब हो गया था। सन 1982 में जिनेवा के एक ऑक्शन में इस नेकलेस का सेंटर पीस यानी कि डीबियर्स डायमंड रीअपियर हुआ था और इस ऑक्शन में इस डायमंड की बोली $3.16 मिलियन तक गई थी, पर ये फिर भी अनक्लियर था कि ये बोली इस डायमंड की रिजर्व प्राइस से मिलती है या नहीं। सन 1998 में इस नेकलेस के कुछ और भी पार्ट्स लंदन के एक सेकेंड हैंड ज्वेलरी स्टोर में एरिक को मिले थे, जो कि एक कार्टियर एसोसिएट ही था। उस हार के बचे हुए हिस्से जिनमें कि वो 7 बड़े डायमंड्स जिनका वजन 18 से 73 कैरेट्स था और बर्मीज रूबीज, ये सब एक पेंडेंट में जड़े हुए थे जो कि अभी भी मिसिंग है। कार्टियर ने उस इनकम्प्लीट नेकलेस को ही खरीद लिया था और कुछ 4 साल के बाद एक ओरिजिनल से मिलता जुलता नेकलेस बना दिया था। उन्होंने लॉस्ट डायमंड्स को क्यूबिक जिरकोनिया और सिंथेटिक डायमंड से रिप्लेस कर दिया था और डीबियर्स डायमंड का भी एक रेप्लिका लगा दिया था। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।